तो ये इस मंदिर में हम पहुंचे हैं, ये इसका दूना है, बहुत पुराना है। कितने कितने दिन पुराना है ये देख लो, बाबा जी का यहाँ दूना लगाया था। अभी आप लोगों को मंदिर के अंदर का दृश्य करा रहे हैं, ये देखियो 1608 निर्मल, 1608 से बहुत पुराना भाई, अच्छी है। ये देखिए अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मंदिर के अंदर का दृश्य है ये, और ये देख लीजिए 1600 ये त्रिशूल है, अच्छे अच्छे चित्र यहाँ लगे हुए हैं, और ये देख लीजिए भाई बहुत अच्छे हैं। और इससे भी पुराना आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई, अगर कोई आके देखना चाहे तो देख सकता है। ये रथ जिसको बोलते हैं आपको, अंदर अंदर से लोग शायद, ये देखिए 400 साल पुरानी धरोहर है ये, अगर कोई भाई देखना चाहे तो आ सकता है। ये क्या रखा हुआ इसमें, एक तो अर्थ बोलते हैं, अर्थ है ये बाबा जी का अर्थ, ये 400 साल पुराना है, अगर कोई देखना चाहे तो भाई देख सकता है आके इधर। और ये बाबा जो पाल की टाइप में होती थी वो भी है, ये देख लीजिए लिखा भी हुआ है 400 साल पुराना धरोहर, बहुत अच्छी चीज है भाई। और भी चीजें दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो बजाते थे इनको पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में, इनको ऐसे बजाते थे, 14 जनवरी को बाहर निकलेगी, तब तक यहीं रहेगी अंदर। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई यहाँ पर, आप लोग कोई भाई आके देखना चाहे तो देख सकता, गाँव जाना है तहसील नरवाना जिला जींद, तो बहुत अच्छी अच्छी ये देख लीजिए, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, पुराने पुरानी तस्वीरें बाबा जियो की हैं, जो भाई भी आके देखना चाहे तो यहाँ देख सकता है, दर्शन कर सकता है। ये पुराने पुराने ये देख लो भाई, इतने पुराने पुराने चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप लोगों को उजाना गाँव से हम दिखा रहे हैं मंदिर की, और भी दिखाता हूँ आप लोगों, ये घंटी देखिए, ये देखिए पुराने टाइम की घंटी, और ये अलग से एक और देख लीजिए, ये अच्छा बिजली से ये ऐसे चलती है, अब ये भी देख लो भाई इतना पुराना है। बाबा जी की ये तस्वीरें अलमे, ये यहाँ पर भी बैठते हैं, और ये भी देख लो यहाँ पर पीर बैठते हैं, पीर जियो की गद्दी है ये, यहाँ पर वो बैठते हैं जी, बहुत अच्छे। ये कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, बाबा जी यहाँ बैठे हैं। तो ये सब आपको जाना गांव में, अगर कोई आके दर्शक हमारा देखना चाहे, ये कोई पाबंदी नहीं कि गांव का ही देखे, कोई गांव का, इंडिया का, इंडिया से बाहर का, कहीं से भी किसी भी कोने से आके यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है। और भाई इतना अच्छा खूबसूरत पार्क भी हमने दिखाया आप लोगों को, ये देखो भाई इतना खूबसूरत गेट भी बना हुआ है, जो अंदर एंट्री करते हैं, अंदर माताएं बैठी हुई हैं, भजन कीर्तन अपना जो हो कर रही हैं। और साथ के साथ आपको ये दिखा देता हूँ, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, एक भव्य गौशाला भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छा है भाई, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान है। तो कभी जो भी भाई आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। और मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, जो ये भव्य मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास इस पे खर्च आएगा, और ये इस टाइप का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, जल्द ही ये मंदिर तैयार हो जाएगा, निर्माण इसका शुरुआत हो चुकी है। ये एक और तस्वीर है बाबा जी की, ये भी देख सकते हो आप लोग, और ये सामने मेन गेट है। तो भाई जो भी आना चाहे आए, उजाना गाँव में आके दर्शन करें, और यहाँ पर जो पार्क है, साफ सफाई का विशेष ध्यान है, उसके बारे में भी आप लोग, यहाँ के बुजुर्ग बैठे हुए हैं बाबा जी, उनसे जान सकते हैं, इस गांव का इतिहास जान सकते हैं, इस गांव की परंपरा सब कुछ आप लोग जान सकते हैं। तो हमने आपको ये दिखाया है इस उजाना गांव में, तहसील नरवाना जिला जींद में। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करना।